तो दोस्तों फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भरत वही सोच नहीं पे। आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब पाकिस्तान को भी हमारे भारत के आगे लोकोमोटिव्स मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़े थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी इंडियन रेलवेज में इंटरेस्ट रखते हैं और उसके बारे में डेली अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो 2011 में गुलाम अहमद जब पाकिस्तान रेलवेज के रेल मिनिस्टर थे तब पाकिस्तान रेलवेज ने हमारी भारतीय रेल से 50 डीजल लोकोमोटिव इंजन 10 साल के लिए लीज पर मांगे थे। तब आलम यह था कि पाकिस्तान के पास टोटल 500 लोकोमोटिव्स थे जिसमें से सिर्फ 200 लोकोमोटिव्स ही फंक्शनल थे, यानी कि बाकी सारे 300 लोकोमोटिव्स की हालत खस्ता थी, जिस वजह से पाकिस्तान रेलवेज को $2.5 बिलियन का नुकसान सालाना भुगतना पड़ रहा था। और जो लोकोमोटिव्स पाकिस्तान ने अपने अजीज दोस्त चीन से खरीदे थे उनकी भी हालत आप देख सकते हैं। उसने एकदम बेकार क्वालिटी के लोकोमोटिव्स पाकिस्तान को डिलीवर किए थे, इसलिए ही शायद वापस पाकिस्तान चीन पे भरोसा नहीं करना चाहता था। और इसीलिए ही अभी जो इतना बड़ा 55 लोकोमोटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो पाकिस्तान ने अमेरिकन कंपनी जीई लोकोमोटिव्स को दिया और लीज पर इंडिया से लोकोमोटिव्स मांगे। तो अगर बात करें हमारे इंडियन रेलवेज की तो इंडियन रेलवेज ने इस 50 लोकोमोटिव्स के ऑर्डर पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे मेनली दो रीजंस थे। भारत के जो घरेलू प्रोडक्शन की मांग थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, हमें भी लोकोमोटिव्स की काफ़ी शॉर्टेज हो रही थी। तब हम 400 लोकोमोटिव्स पर ईयर बना रहे थे जिसे हमें आगे ले जाके 1200 लोकोमोटिव्स पर ईयर तक लेके जाना था। और दूसरा रीजन है रिलायबिलिटी और भरोसा, जिसको तोड़ने में पाकिस्तान काफी माहिर है। तो पाकिस्तान एक कर्ज में नहाया हुआ देश है, तो हम उससे ये उम्मीद कैसे कर ले कि पाकिस्तान हमारे लोकोमोटिव्स का रेंट है वो टाइम टू टाइम देगा। वैसे ये न्यूज़ जो थी वो काफ़ी पुरानी थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि मेरी तरह कई लोगों को ये नहीं पता होगा, इसलिए मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद।